नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। घर में है पालतू जानवर तो आपके भाग्य और भविष्य पर भारी पड़ सकती है 20 लापरवाही। देखना ना भूले कालचक्र। जी हाँ, बहुत से लोग अपने घर में पेट एनिमल्स को रखते हैं और यकीन मानिए ये पेट्स इनके लिए एक परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। घर में क्या बच्चे और क्या बड़े सभी इन पेट्स के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन पेट्स से जुड़ी कुछ दिशाएं और वास्तु नियम भी हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो यही पेट्स आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं और पेट्स खुद भी परेशानी में आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सही दिशा और सही नियम से पेट्स को अपने घर में रखते हैं तो आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और मुसीबत कोसों दूर हो जाएगी। तो आज का कालचक्र बेहद खास है और मुझे लगता है कि आज के वक्त में अक्सर हम सभी देखते हैं कि खासतौर पर कई घरों में पेट्स लोग रखते हैं क्योंकि अब ज्वाइंट फैमिली नहीं रहती। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, वो भी पेट्स रखते हैं। ठीक है, आप लोग लगाव भी रखते हैं और कहते हैं ना कि जानवर से अगर आप लगाव रखेंगे तो वो शायद अपने बच्चों से भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, ये अक्सर देखा भी गया है। लेकिन कैसे रखना चाहिए, मुझे लगता है बहुत कम दर्शकों को ये पता होगा, इसलिए आज का कालचक्र बेहद ही खास है। तो आज हमारे साथ आप बने रहिए क्योंकि आज पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप पेट्स रखते हैं, आपको शौक है, तो कैसे दिशा में रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये बेहद अहम हो जाता है। और आज इसी से जुड़ी खास जानकारी आपको पंडित जी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01206652411 जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। और अपनी बात की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं उसके पहले आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। अट्ठाईस सितंबर 2024 दिन शनिवार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 2:49 तक है। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। आश्लेषा नक्षत्र रात 3:38 तक, इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग रात 11:51 तक, इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9:00 से 10:30 तक, यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:41 से 3:11 तक। एक तो आज आपको पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और दूसरे इन अशुभ समयों में आपको किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत से लोग अपने घर में डॉग, बर्ड्स, फिश पालते हैं, लेकिन क्या इन पालतू जानवरों को रखने के लिए कोई शुभ दिशा भी होती है? हमारे शास्त्र, खास तौर पर वास्तु शास्त्र के बारे में अगर हम बताएं तो क्या कहता है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार ऐसी चीजें होती है हमारे आसपास, हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम परेशानी में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कई घरों में मैंने देखा है जो पेट्स पालते हैं, आप भी शौकीन होंगे उनमें से, अचानक से वो भी परेशान होता है। आप देखते हैं कि अचानक से कई बार समझ नहीं आता, उनकी मौत भी हो जाती है और समझ नहीं आता, पूरा फैमिली कहीं ना कहीं सैड हो जाता है, लेकिन उसके पीछे वजह होती है। हमारे शास्त्रों में खासतौर पर वास्तु के हिसाब से बहुत सारे नियम होते हैं, तो इसलिए आपके लिए आज का कालचक्र बेहद खास और पंडित जी से आप जान लेते हैं। पंडित जी, हम सभी देखते हैं कि आजकल खासतौर पर मैंने देखा है, आप शहर की बात कर ली जाए, गाँव की, एक प्रचलन है, एक प्यार, एक कनेक्शन हो जाता है लोगों को पेट से। घर में तो रखते हैं लेकिन कैसे रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखो, ये शहर की बात नहीं है। जी जी, अगर आप भारत का पिछला इतिहास उठाकर देखें, सनातन धर्म का पिछला इतिहास उठाकर देखें, तो हमारे यहाँ जानवरों का संबंध जैसे परिवार का संबंध मनुष्य से मनुष्य का होता है, वैसे जानवरों का संबंध होता है। आज ट्रैक्टर हो गया है, आज खेती ट्रैक्टर से हो रही है, लेकिन इसके पहले तक अन्न उपजाने का काम तो बैल ही करते थे जी। और भारत की 70% आबादी खेती पर निर्भर है। आज भी 70% आबादी भारत की खेती पर निर्भर है। 30% लोग ही शहरों में रहते हैं,
जिनकी आजीविका खेती नहीं है। बाकी 70% लोग गांव में रहते हैं जिनकी आजीविका का साधन आज भी खेती है। और खेती करने वाला हर इंसान जब तक ट्रैक्टर नहीं था तब तक अपने दरवाजे पर 2 बैल रखता था। जिनके खेत ज़्यादा थे वो 4 बैल भी रखते थे और उसके साथ साथ गाय और भैंस भी पाली जाती थी जी। गाय और भैंस के साथ साथ घर में एक कुत्ता भी होता था। कुत्ता रक्षक और प्रहरी का काम करता था। गैया मैया दूध देती थी और बैल धरती से अन्न उपजाते थे, इसलिए वो हमारी आवश्यकता भी हैं। जैसे हमारे लिए श्वास आवश्यक है वैसे हमारे लिए अन्न की उपज आवश्यक है, वैसे हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए दूध दही आवश्यक है। तो आज नहीं, सनातन धर्म में प्राचीन से प्राचीन काल से अगर आप देखेंगे तो पशुपालन की व्यवस्था रही है। अगर किसी ने त्रेता युग में वशिष्ठ के बारे में पढ़ा होगा तो उनके पास भी नंदिनी नाम की गाय थी, वो भी नंदिनी नाम की गाय को पालते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज नहीं कि आज लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, कुत्ता पाल ले रहे हैं तो आज बड़े पशु प्रेमी हो गए हैं, कल नहीं थे। इसके पहले भी लोग जानवरों से बहुत प्रेम करते थे और ख़ास करके अपने बैलों से तो लोग अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे, अपनी गाय से लोग अपनी माँ की तरह प्यार करते थे, भैंस को भी लोग बहुत सम्मान के साथ पालते थे और उससे पूरे परिवार का गुजारा होता था, उससे पूरे परिवार का निर्वाह होता था। तो सनातन धर्म में अगर माना जाए तो रहीमदास जी कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गाय को सबसे पहला धन माना है रहीमदास ने, गोधन, गाय सबसे बड़ा धन है मनुष्य के लिए। उसके बाद गजधन हाथी धन है, अश्वधन घोड़ा धन है, बाज धन और रतन धन खान, और उसके बाद रत्नों की खान ये धन है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो कहने का आशय यह है कि गाय को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड माना गया है। अंजलि ये समझ लो कि अगर आपने एक 25,000 रुपये की गैया खरीद ली और गैया की आपने सेवा की और संयोग किस्मत ने साथ दिया और गाय को बछड़ी हो गई, तो वो बछड़ी 18 महीने में गाय बन जाएगी और ये 25,000 रुपये की गाय जो है ये 18 महीने में 25,000 का एक फिक्स डिपॉजिट खड़ा कर देगी। वो गाय भी 25,000 की हो जाएगी जो बछड़ी है। अगर उस गाय ने 4 बच्चे दिए तो उसने अपने 25,000 को 1,00,000 में डाइवर्ट कर दिया और उनके बच्चों से फिर आप सोचिए सिलसिला कितना आगे बढ़ा है। इसीलिए देहात में एक कहावत है, गाय से को गयो है और भैंस से को भयो है। मतलब गाय से कोई निर्धन नहीं हुआ है आज तक और भैंस पालने वाले बहुत देर तक सुखी नहीं रहते, इसलिए कि भैंस में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और भैंस बीमार बहुत ज़्यादा होती हैं, भैंस बीमार बहुत ज़्यादा होती हैं। गाय को तो लोग धार्मिक दृष्टि से भी रोटी खिलाते रहते हैं, आपकी गाय है आप ना खिलाएं पड़ोस वाला खिला देगा, गांव वाला खिला देगा, गाय को लोग धार्मिक दृष्टि से भी पूजते हैं। इसलिए पशुओं का तो हमारे जीवन से जैसे श्वास का संबंध है हमारे जीवन के लिए वैसे संबंध है। हाँ, देश काल परिस्थिति सभ्यता बदली है। अब आज 10 प्रमुख पालतू जानवरों में गाय की सूची नहीं है, गाय 10 के नीचे की सूची में है। आज सबसे ज़्यादा पालन में अगर आप देखा जाए तो सबसे 1 नंबर पर कुत्ते पाले जा रहे हैं, 2 नंबर पर बिल्लियां भी पाली जा रही हैं, 3 नंबर पर खरगोश भी पाले जा रहे हैं, कुछ लोग चूहे भी पालते हैं, कुछ लोग तोता पालते हैं। अब तोते का भी प्रचलन कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा पंडित जी घरों में। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन सच्ची बात ये बताऊँ आपको, परमार्थ की बात, कैद किसी को करना अच्छी बात नहीं है। चाहे आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए तोते को कैद कर लीजिए, चाहे मछलियों को कैद कर लीजिए, हकीकत ये है कि आप अपने मानसिक संतुष्टि के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस चराचर जगत में कौन स्वतंत्र नहीं रहना चाहता,
कौन पिंजरे में रहना चाहता है, और गाय बैल भैंस इनके लिए ये शर्तें नहीं हैं, ये पिंजरे में नहीं है, नहीं। ये पिंजरे में नहीं है और न ये जंगली जानवर हैं। जंगली जानवर वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो पालतू होते हैं। शाकाहारी जानवर बैल है, गाय शाकाहारी है, भैंस शाकाहारी है, ये मांस नहीं खा सकते, किसी कीमत पे नहीं खा सकते, लेकिन कुत्ता मांस खा सकता है। पंडित जी घरों में खिलाते भी रखते हैं, अब उसकी चर्चा मत करो, जो जो करेगा भरेगा। जब कोई आदमी किसी जीव की मांस खाता है तो वो जीव जाकर तब तक आकाश में घूमता है जब तक वो व्यक्ति मर के नहीं जाता है। जब वो व्यक्ति मर के जाता है तो उसकी मांस को नोचने के लिए वो वहाँ बैठे रहते हैं। तूने मेरी मांस खाई है, अब तेरी मांस हम खाएंगे। जो लोग आज मांस खा रहे हैं उनको कितना भरपाई देना पड़ेगा इस शरीर से, कितनी यातना झेलनी पड़ेगी, इसको उनकी आत्मा जानेगी। अभी जो जिह्वा विलास में और अहंकार बस अरे इससे क्या होता है ये कह करके कर रहे हैं, उस सब का परिणाम मिलेगा जी। चाहे जिस जात में पैदा हुए हो, चाहे जिस धर्म में पैदा हुए हो, जीव हत्या को कहीं श्रेय नहीं माना गया है। एक छोटी सी चींटी है, उसके भी पीछे अगर आप उंगली लगाकर देखिए तो भागना चाहती है। काकरोच जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसको भी अगर आप हाथ से छूने की कोशिश करिए वो भी भागना चाहता है, खटमल भी भागना चाहता है। मतलब हर जीव को अपने योनि से प्यार है, वो मरना नहीं चाहता है, कोई जीव मरना नहीं चाहता है। जिसका कोई उपयोग नहीं है इस धराधाम पर वो भी मरना नहीं चाहता है, जीना ही चाहता है। तो आप उसको अगर जीने का हक छीन रहे हैं तो दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। सब प्रभु का ही ये संसार है, जगत नाटक वैभवा, ये हम तुम सब उसी प्रभु के नाटक हैं। उन्होंने हमको प्रकट किया है और हम लोगों को वो अपने में ही विलीन कर लेंगे। कुछ हमको आपको रोल दिया है उन्होंने करने के लिए, जिसे आप भी कर रही हो हम भी कर रहे हैं जी। ये रोल जब समाप्त होगा तो अपने आप में हमको फिर समेट लेंगे। जैसे पर्दे के पीछे जा करके मुंह साफ कर लिया जाता है, मेकअप हटा दिया जाता है, उसी तरह से जगत नाटक वैभव, ये प्रभु का नाटक है। संसार वो अपने से प्रकट करते हैं, संसार के लोगों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षी को, पेड़ पौधों को अपने से प्रकट करते हैं और फिर अपने में ही लय कर लेते हैं। लेकिन ये बात उस आदमी के समझ में आएगी जो भागवतिक होगा, जिसको अध्यात्म का ज्ञान होगा, जो किसी सद्गुरु के चरणों में बैठ करके अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करेगा। ये उसे कतई नहीं ज्ञान होगा जिसे ये लगता ही नहीं है कि मतलब कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, स्वभाव क्या है। जिसने इन सब चीज़ों पर कभी सोचा ही नहीं है उसके लिए ये हवा में उड़ने वाली बात है जी। तो कहना ये चाहूँगा कि देखिए, घर में पालतू जानवरों को मकान की उत्तर और उत्तर पश्चिम और पूरब दिशा में भी आप रख सकते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में पालतू जानवरों को रखने के लिए सबसे शुभ दिशा मानी गई है। हमारे यहाँ विश्वकर्मा प्रकाश, वास्तु रत्नाकर, ये जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का जब जिसने भी अवलोकन किया होगा तो हर समय पशुशाला, पशुशाला के नाम से वर्णन आता है। पशुशाला कहाँ होनी चाहिए? उत्तर पश्चिम के कोने पे होनी चाहिए। पशुओं का मुंह किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा में होना चाहिए। कभी भी पशुशाला अगर नॉर्थ ईस्ट में हो जाए, मतलब पूरब उत्तर के कोने में हो जाए, तो उस परिवार का अनर्थ हो जाता है। वो परिवार ऐसी ऐसी विपत्तियों से घिरता है जिससे उसे उबार पाना किसी के लिए दुर्लभ होता है। ऐसा क्यों भाई? इसलिए कि उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं, और ईशान कोण जो है ये देवताओं का स्थान है। देवताओं के स्थान पर अगर पशु बांधे जाएंगे तो पक्का है कि उस घर की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में बार बार मैं कहता हूँ, न तो टॉयलेट होना चाहिए, न तो सीढ़ियाँ होनी चाहिए, न घर गृहस्थी का कोई कार्य होना चाहिए, न वहाँ गर्भाधान की क्रिया होनी चाहिए,
और न ही वहाँ पशुशाला होनी चाहिए और न ही वहाँ गंदगी का स्थान होना चाहिए, न ही वहाँ डस्टबिन होना चाहिए, न ही वहाँ जूते की रैक होनी चाहिए। इन सब बातों का अगर ध्यान रख करके आप अपने जीवन का निर्वाह करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सारी बुराइयों से बचे रहेंगे। घर की उत्तर पूर्व दिशा में मछलियों का एक्वेरियम रखने से सौभाग्य बढ़ता है।